अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है हमारे टिक्का क्रेप पार्सल। तो क्रेप्स की हम बनाएंगे बैटर। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है मेरे पास है फ्लोर, एग एंड मिल्क, और बाद में हम इसके अंदर सीजनिंग ऐड करेंगे, सॉल्ट और ऑयल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लोर, ये मैदा मैंने लिया है 1 कप, आपने इसके अंदर डाल लेना है। मेरे पास एग है, आपने एग ऐड करने हैं 2 एग। सॉल्ट 1/2 टीस्पून। देन मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ऑयल। ऑयल आपने 2 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर ऐड करना है। फिर इसके बाद मिल्क। मिल्क में एज रिक्वायर्ड करनी कि मुझे इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और साथ साथ अपना मिल्क ऐड करती जाऊँगी इसके अंदर जितना मुझे रिक्वायर्ड है। मैंने अपना क्या किया था, मेरा बैटर जो क्रेप्स का है वो रेडी है। और मैंने इसके नीचे अपने हल्की आंच रखनी, तेज़ी रखनी। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब, और इसको हल्का सा मैं कर दूंगी स्प्रेड आउट ब्रश के साथ। चलें, हमने इसके अंदर अपना ऑयल ऐड किया। ऑयल हमारा हीट अप हो चुका हुआ है क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये हाफ मैंने कप लिया, इसके ऊपर मैं डाल के इसको मुझे साथ ही क्या करना है, स्प्रेड करना है। जैसे हमारा क्रेप रेडी शुरू होना होता है वो साइड उसकी क्लियर ऐसे छूट जाती है और आपने इसे क्लियर करना है। और फिर मैंने क्या करना है, ऐसे ही पैन को उठा के प्लेट के ऊपर ऐसे ही फ्लिप करूँगी और इसको हम गरम गरम सेट कर देंगे। ये मेरे गरम जो क्रेप्स हैं रेडी हैं। चलें जी, अब हम इसकी तैयार करने लगे हैं फिलिंग। तो सबसे पहले मैं लूँगी ऑयल। ऑयल मेरा 2-3 टेबलस्पून। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। अब मैं इसके अंदर अपनी सीजनिंग ऐड करूँगी, टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून, चॉप्ड चिलीज 2 टेबलस्पून। चिकन ऑलमोस्ट डन है, और डन की निशानी क्या होती है कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, तो ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम चॉप, और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। 1-2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ चॉप कोरिएंडर। हमारा जो टिक्का चिकन है फिलिंग रेडी है। चलें, अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं फिलिंग करना। ये मेरे क्रेप्स जो मैंने रेडी किए हुए थे, मैं इसको रखूँगी यहाँ पे, ठीक है, अपने क्रेप्स मैंने रखे। और इसकी जो मैंने फिलिंग तैयार की थी, फिलिंग मैं डालूँगी यहाँ पे। इसको आप अफ्तार में रहें, इसको आप चाहे अपने सहरी में बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीज़। इसको हम बंद करेंगे। जो मैंने मेरा बैटर बचा था मैंने वो एजेस पे लगा लेना। इसको मैंने एजेस सारे लगा लिए। ये वही बैटर है जिससे हमने अभी अपने क्रेप्स बनाए हैं, उसी बैटर को मैं एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैं अपने क्रेप्स को करूँगी यहाँ से बंद। अब मैंने एजेस पे इसको ये लगाया अच्छे से, आपने इसको लगाने दें। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इसी तरह। इसी एज पे भी आपने अच्छे से अपना वही जो मिक्सर क्रेप्स का बनाया था वो लगा लेना, और इसको हम अच्छे से फोल्ड करके एक पॉकेट शेप देंगे। अब अपने क्रेप्स को मैंने इसी तरह उठाना है। चलें जी, अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। बहुत ही मज़े के हमारे क्रेप्स जो हैं, इतना मज़े का इसका गोल्डन कलर आया। चलें, अब हम इसको फ्लिप करते हैं दूसरी साइड पे। ये हमारी टिक्का क्रेप पार्सल रेडी है।